इस तरीके से ये देखिए गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये थाना है पार्लियामेंट स्ट्रीट की, ये जो जगह का है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट है। यहाँ पे जिस तरह से नुपुर शर्मा बयान देती हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर, यहाँ पर AIMIM के कुछ कार्यकर्ता आए थे जो लगातार उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया उनका बयानबाजी को, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो भी लोग आए थे उनको डिटेन कर लिया गया है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर दोबारा से आ रहे हैं, उनको भी पुलिस वाले निकाल निकाल के ले जा रहे हैं। आप साइड में मेरे विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से जो लोग आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने के अंदर ले जाया गया है, डिटेन कर लिया गया है, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से अरब कंट्रीज की तरफ से भी रिएक्शन आता है नुपुर शर्मा के लिए, नवीन कुमार जिंदल के लिए, कि जिस तरह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पे अभद्र टिप्पणी की थी उसके विरोध में यहाँ पर लोग जमा हुए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए यहाँ पर लोग जमा हुए थे अपना विरोध दिखाने के लिए, किस तरह से उनके ऊपर लोग अभद्र टिप्पणियाँ कर देते हैं उसी के लिए यहाँ पर नुपुर शर्मा के विरोध में यहाँ पर लोग आए थे। लेकिन फिलहाल सबको डिटेन कर लिया गया है, थाने में ले जाया गया है। आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन है, थाना है, संसद मार्ग पे स्थित है। लगातार AIMIM के कार्यकर्ता जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली थी। इसी वजह से पुलिस थाने के आगे, जो दिल्ली पुलिस है उसके थाने के आगे यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। संसद मार्ग जो स्ट्रीट है ये वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिलहाल सबको डिटेन कर लिया गया है। किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जिस तरह से नुपुर शर्मा पर बवाल बढ़ता जा रहा है, किसी को इजाज़त नहीं थी कि यहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्ट करे या धरना प्रदर्शन करे, क्योंकि जिस तरह से बवाल बढ़ गया है दो समुदायों के बीच, बाहर की कंट्रियों में उन्होंने लगातार जिस तरह से बोला जा रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, यहाँ के जो राजदूत उनको तलब किया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, ताकि जो ये बवाल है ये और ज़्यादा ना बढ़े। जिस तरह से लगातार ये लोग मांग कर रहे थे नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की, उसके मद्देनज़र फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस वाले पूरे तैनात हैं, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी लगाई हुई है, CRPF के जवान मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, महिला कांस्टेबल मौजूद हैं। जो भी महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आ रही हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने के अंदर ले जाया गया है। पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे, सबको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया है। जिस तरह से नुपुर शर्मा के ऊपर पूरा विवाद हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन सबको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया है। थाने के अंदर मैं बिल्कुल थाने के सामने खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं ये थाना है जहाँ पर उन सब लोगों को ले जाया गया है। पुलिस वाले लगातार मौजूद हैं क्योंकि और लोग भी आ सकते हैं, ऐसे आशंकाएं जताई जा रही हैं। जिस तरह से काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की जाती है उसको मद्देनज़र देखते हुए उसके विरोध में यहाँ पर लोग आए थे अपने विरोध प्रदर्शन जताने के लिए। देखिए बैरिकेडिंग की गई है, जो लोग अंदर हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप देख सकते हैं थाने के बाहर यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि कोई और परेशानी ना हो, सुरक्षा जो यहाँ पे की गई है उसमें कोई चूक ना हो। लगा आप देखिए पूरी बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए हैं दिल्ली पुलिस ने, थाने के सामने बैरिकेडिंग की गई है और जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे थे अपने विरोध प्रदर्शन जता रहे थे मोहम्मद साहब पर, जिस तरह से नुपुर शर्मा अभद्र बयान देती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, आप सोच सकते हैं इतना बड़ा बयान देने के बाद एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, बल्कि उन्हें सुरक्षा दे दी गई है। इसी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि जिस तरह से समुदायों के बीच नफरत फैल गई, हिंसा का माहौल यहाँ पर बन सकता था, इसी वजह से इजाज़त नहीं दी गई थी। जंतर मंतर पर लगातार कोशिश की जा रही थी कि प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर थाने के सामने आए थे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सबको डिटेन करके थाने के अंदर ले जाया गया है, किसी को इजाज़त नहीं है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, क्योंकि इससे
जिस तरह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर बयानबाजी की एक टीवी चैनल में बैठकर, उसके बाद ये पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ था। बाहर देशों में आवाज़ उठाई गई, भारत में आवाज़ उठाई गई, कानपुर में जिस तरह हिंसा हुई, ये सब जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर उन्होंने बयान दिया था, उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर लोग आए थे, अपनी मांगे रख रहे थे कि जिस तरह से AIMIM के लोग यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनके कार्यकर्ता आए थे, उन सबको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही प्रदर्शन करने की ताकि माहौल ना ख़राब हो। इसी वजह से पूरी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है। लगातार जिस तरह से ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है, बाहर देशों में हो, भारत में हो, लगातार विरोध उनके खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर पूरी सुरक्षा की हुई है ताकि कोई भी चूक ना हो, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हुए हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए हमारी एक ही मांग है, नवीन शर्मा को और नवीन कुमार जिंदल को अरेस्ट करा जाए। देखिए साफ तौर पर बिल्कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है और आका अलैहि सलातो वसलाम की शान में गुस्सा की होगी तो आपने अपने साथ घर की बात करने के लिए तैयार है। देखिए तस्वीरें हम आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे AIMIM के कार्यकर्ता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है ये देखिए, यहाँ पर पुलिस की तरफ से धक्का मुक्की की गई, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको अब अंदर ले जाया गया है। आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा में बल यहाँ पर मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद हैं। यहाँ पर दो कार्यकर्ता और आए थे, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अब इतनी टिप्पणी की गई उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल उन सबको अंदर ले जाया गया है। काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, बस में डिटेन कर लिया गया है, कुछ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं, सबको डिटेन कर लिया गया है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से धक्के मुक्की की गई, उन लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश की गई, मीडिया वालों को बात करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वाले लगातार उनको पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। मैं फिर से भी कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।